वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल PSR। मैं पवन और वेलकम आप लोगों का एक नए से ब्लॉग में। अभी मैं हूँ आगरा में और 10 ताजमहल की हमने एंट्री किया है। और सबसे पहले हम बात करें टिकट की, तो टिकट मैंने ऑनलाइन बुक किया जो कि मेरे को 45 रुपीज़ का पड़ा है। सिर्फ बार बार घूम मतलब अंदर जाके वो कपड़े वगैरह ऊपर नहीं जा सकते, बस वो होता है कि आप आराम से बाहर घूमो और उसमें क्या ही जाना बार बार, इतना महंगा टिकट होता है उसका। जिसको जाना है वो ऑनलाइन टिकट बुक कर सकता है, यहाँ पर आके भी कर सकता है, बट ऑनलाइन ठीक रहता है, पहले से आप बुक कर लो। और ये जस्ट हमने अभी एंट्री किया है, पीछे से सामने गेट हमारे होटल से बिल्कुल सामने है ये डिलक्स इन। और हाँ, होटल का मैं आप लोगों को दिखा दूँगा अभी चल के वापस। कल एक्चुअली इतनी भागम भाग हुई थी और 2-3 ब्लॉग शूट किए थे एकदम से, तो दिखा नहीं पाया था जल्दी में, तो आज चल के दिखाते हैं। बाकी सीधा जाना है हम लोग को इधर से, पीछे से हमने अभी एंट्री करी है सामने से ही, तो पहुँचता हूँ फिर दिखाते हैं। अभी आ गए हम लोग बिल्कुल अंदर और सामने से व्यू बिल्कुल पास आ चुके हैं और देखते हैं चलो। और इसके बारे में डील पता नहीं हम लोग को जरूरत है नहीं, किसने बनवाया, कब बनवाया, किस लिए बनवाया, सबको ही पता रहता है, फेमस चीज़ है भाई। और हाँ, उस तरफ अगर आप साइड वगैरह में भी जाते हो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी ये है पूरा व्यू, वैसे भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, अभी चलते हैं ऊपर और ऊपर से भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो अभी आ गए हैं ऊपर और ये देखिए जो पीछे जो आप लोगों को दिख रहा है ऊपर मॉक्स, वो देखने के लिए ऊपर जो इनका मकबरा है वो देखने के लिए। इसमें जो चार्ज होता है 250 रुपीज़ का, तो वो हमने टिकट नहीं लिया है नेसेसरी, नहीं तो पहले भी देखा हुआ है, तो क्या देखना उसको बार बार ही। ये अभी हम ऊपर आ गए हैं, उससे ऊपर जाने का टिकट तो हमने नहीं लिया। बाकी इधर रिवर, तो वो रिवर किस ये रिवर के पास ही इसलिए बनाया गया था ताकि नीचे का बिल्कुल सही रहे, ताकि आगे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। चलते हैं उस तरफ, उस तरफ थोड़ी फोटो वगैरह सही आती है, तो उधर चल के फोटो देखेंगे। और जो इस पर जो पेंटिंग टाइप का बना हुआ है, आप लोग लगता होगा पेंटिंग है, तो ये पेंटिंग नहीं होता है, इस पर स्टोन बने हुए हैं। इसके बारे में अगर आप लोग देखोगे तो फिर छोटे जो सारे स्टोन के थ्रू बनाया गया है। और उधर चल चलते हम अभी आ गए हैं रिवर की तरफ, पानी बहुत कम हो चुका है रिवर का यहाँ पे। जैसे कल मैंने आप लोग दिखाया था रेड फोर्ट से बिल्कुल दिखता है, तो वो सामने रेड फोर्ट सबसे दिख रहा होगा। और ये रिवर बिल्कुल ब्लैक दिख चुकी है भाई, रिवर कम और नाला ज़्यादा बना दिया है यहाँ के लिए। चलो बाकी घूमते हैं और पूरा करते हैं एक्सप्लोर। हमने पूरा घूम लिया और भी थकावट हो चुकी है, थक भी गए, तो बस अभी हम चल रहे हैं बाहर। और बाहर चल के होटल का भी आप लोगों को दिखाना है, तो वो मैं दिखा दूँगा। चेकआउट का टाइम हो ही गया, 11 बज गए। मैंने भैया को बोल दिया था कि हम लोग थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट हो जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है वो। तो बाकी आप लोगों ने भी पूरा देख लिया, काफ़ी धूप है यार, हालत खराब हो चुकी है, तो बस चलते हैं। अभी ताजमहल देखने के बाद हम आ चुके हैं एक पास में रेस्टोरेंट है, तो बस अभी भूख लग रही थी बहुत तेज, तो कुछ कुछ ये इसका मेन्यू, तो देखते हैं क्या क्या है खाने का, कचौड़ी वगैरह। और जो भी मैं अपने को चलो दिखा देता हूँ, आता तो दिखाता हूँ। मैंने कचौड़ी मंगाई है, तो देखते हैं आगरा की कचौड़ी कैसी है। और मूंग दाल हलवाई मंगाया हमने,
तो अभी हलवा आ चुका है हमारे सामने, करते हैं टेस्ट, बताता हूँ हलवा कैसा है। सही है, गरम गरम हलवा बढ़िया लग रहा है भाई। बाकी अभी कचौड़ी आ रही है तो वो भी दिखाता हूँ। ये आ गई हमारी कचौड़ी हमारे सामने, अब हम करेंगे कचौड़ी टेस्ट। बहुत ही अच्छा टेस्ट है कचौड़ी का भी। और ये यहाँ लस्सी, कौन बीट दी था मैंने, ये अपनी लस्सी। ये आ गए अपने छोले भटूरे, ये आ गए छोले भटूरे। चलो ये मैं टेस्ट करके बता ही देता हूँ, कचौड़ी तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था टेस्ट। छोले का टेस्ट काफ़ी बढ़िया है, थोड़ा सा अंधेरा है तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है, बाकी लस्सी का तो क्या ही कहना। चलो फटाफट करते हैं ख़त्म, मिलता हूँ ख़त्म करके। अभी हो चुका है हमारा खाना फिनिश और करते हैं ब्लॉग का एंड। और ये पूरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर पहले बार चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।